अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। आज भी मैं ही वीडियो बना रहा हूं क्योंकि तो आपका दूसरा पेपर है, अभी दो तीन पेपर और भी रहते हैं, तो जब तक वो नहीं आता तो मुझे आपको बर्दाश्त करना होगा, मुझे बर्दाश्त करना होगा। मैं चाहता हूं कि उसका सारा फोकस स्टडी पे रहे, अपने पेपर्स पे रहे, ये वीडियोस वाला हिसाब किताब सारा मैं संभाल लूं। तो करना क्या है कि यार, वाइट कबूतर जैसा कि आपको पता है वो अकेला हो चुका है, उसके लिए फीमेल की बहुत ही ज़्यादा उसको ज़रूरत है, लेकिन हम उसको जानबूझ के नहीं दे रहे थे क्योंकि उसके अभी बच्चे अभी अकेले थे। तो अकेले बच्चे बेचारे भूख से मर जाते क्योंकि वो खुद दाना नहीं खा रहे थे, उनको वो बेचारा खुद खिला रहा था, लेकिन उसने बहुत ही सब्र किया, बहुत ज़्यादा उसने वेट किया है। तो आज उसकी सब्र की घड़ियाँ, उसकी इंतज़ार की घड़ियाँ ख़त्म हो रही हैं। बाय द वे, ये है वो वाइट कबूतर, मैं आपको दिखा दूं, सारा दिन आवाज़ निकालता रहता है फीमेल को बुलाने वाली। तो मुझे तो आज तरस आ गया और मैंने तुराब को नहीं बताया, तो ये मेरा ही अपना आइडिया है। तो अभी मैं जाऊंगा फीमेल लेने, उससे पहले मैं काम कर लेता हूं, हमारी जो कल वाली कबूतरी एक बच्चा मरा था उसको भी चेक कर लेते हैं कि वो ठीक है कि नहीं। ये बैठी हुई है हमारी फीमेल, तो इसको एक दफ़ा मैं अंदर से देख लूँ कि कोई खुशी की खबर तो नहीं है। तो देखते हैं दोस्तों कि अंडा है। ओए तो यार, अल्हम्दुलिल्लाह शिराजी का बच्चा निकल आया है और देखता हूँ ये हेल्दी है कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। यार एक मिनट, ओए मारो नहीं मुझे, मैंने कुछ नहीं किया। तो दोस्तों मुझे तो बिल्कुल ये हेल्दी लग रहा है और इसकी जो खाने थैली है खाने वाली वो भी फुल है, तो इसका मतलब ये फीडिंग भी करा रही है और ये इसको सही से पाल रही है। और माशाल्लाह से आज हमारा शिराजी का बच्चा भी निकल आया है, एक बच्चा तो बेचारा एक्सपायर हो गया था तो दूसरा शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह निकल आया। तो ये 3-4 दिन में ही इसको सरप्राइज मिल गया है बच्चे का और ये फीड भी करा रही है। कुछ लोग कह रहे थे कि भाई ये फीड नहीं कराएगी क्योंकि इसको 3 दिन बाद कबूतरी को शक हो जाएगा कि भाई ये इसका बच्चा तो है नहीं, इसका अंडा तो है नहीं, इसलिए ये फीड नहीं कराएगी, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। इसने फीड भी कराई है और जो है ना इसको सही से पाल भी रही है, तो ये तो अच्छा हो गया यार। ये देखें ये बच्चे का बाप भी आ गया दोस्तों, और ये वाइट कबूतर हमारा, ये बच्चे की माँ भी आ गई बच्चे को अकेला छोड़ के खाना खाने के लिए, क्योंकि खाना तो बहुत ज़रूरी है, फीड भी करानी होती है, तो इसलिए ये फौरन से पहले आ गए। ये देखें माशाल्लाह। तो अब ये वाली टेंशन तो दोस्तों ख़त्म होगी हमारी कि ये भाई खाना इनको कौन देगा, क्योंकि इनका बाप अब जब नई फीमेल लाएंगे तो उसके साथ ये सेटल हो जाएगा, तो इनको तो जाहिर सी बात है इसको छोड़ना पड़ेगा, तो ये टेंशन ख़त्म हो गई हमारी। तो यार जब तक ये खाना खाते हैं मैं आपको अपनी सब्जियां दिखा देता हूँ कि कितनी हो गई हैं, हो भी रही हैं कि नहीं हो रही। मैं यहाँ से कोशिश करता हूँ देखने की। अरे वाह क्या ही बात है भाई, ये यार तो माशाल्लाह सही ग्रोथ हो रही है सब्जियों की। ये क्या चीज़ है, ये मेरे ख्याल में कद्दू है या तोरी है या कुछ है ऐसा, क्योंकि जब हमने बीज उगाए थे उसके बाद मैं बिल्कुल भूल गया था कि हमने बीज कौन सा बीज कहाँ पे लगाया है। तो जो भी है अच्छा है, हेल्दी है, हो रहा है। यहाँ से हमारे टमाटर देख लें और माशाल्लाह से इनकी अच्छी ग्रोथ हो रही है, यहाँ से आप देख सकते हैं इसके फूल भी निकल रहे हैं येलो, तो ये तो अच्छी बात है यार। बस यार एक प्रॉब्लम है, ये मुर्गियाँ जो है ना इन्होंने सब्जी का सत्यानाश कर देना सारा, तो इस चीज़ का हमें ख्याल रखना पड़ेगा और इसकी हिफाजत बहुत ज़रूरी है। और मेरी सांस भी फूल गई है पता नहीं क्यों। तो यार हाँ सबसे इम्पोर्टेंट काम तो यार मैं भूल रहा था, अभी जाते हैं यार वो हमारे वाइट कबूतर के लिए हम लेके आते हैं फीमेल, और मैं अकेला जाऊँगा तो मैं कैमरा रख के जाऊँगा क्योंकि बाइक पर जाना फिर कबूतर लेके आना एक हाथ में, तो सब कुछ एक साथ नहीं हो सकेगा, तो मैं लेके जब आऊँगा उसके बाद ही मिलूँगा आपसे। तो दोस्तों माशाल्लाह से हम अपने वाइट मेल के लिए एक खूबसूरत सी वाइट फीमेल लेके आ चुके हैं जो कि बहुत ही अच्छी लगी है मुझे, और वो कन्फर्म फीमेल है, मैंने अभी आपको दिखाया भी था, ये बैठी हुई है। और वाइट कबूतर की तो भाई मौजें होगी, पहले भी उसको लकी कबूतरी पसंद आ गई थी, लेकिन ये भी उसके लेवल की है, अच्छी है, प्यारी है, तो उसको यकीनन पसंद आएगी। तो हमारा वाइट कबूतर उधर बैठा हुआ है, तो उसको मैं क्या करता हूँ कि इधर डरबे में छोड़ता हूँ और इनको यहाँ पर रख के देखते हैं कि उसका क्या रिएक्शन रहता है। माशाल्लाह देखें कैसी लगी है फीमेल, ये देखो इधर आ गया तो मैं इसको इधर छोड़ता हूँ। ओ भाई भाई भाई, और ये देखो ये आ गया, फीमेल को देख के इधर आ गया, कमाल हो गया। अभी तो मेरे हाथ में अभी से इसकी देख रहे हैं आप शैतानियाँ। ये लो भाई आपकी है, आपके ही लेके आया हूँ। तो ये देखें वाइट मेल वापस आ गया नीचे, तो अब देखते हैं क्या कहता है ये।
ये नीचे आ गया। देखें दोस्तों कैसे अंदर जा रहे हैं, बाहर से शुरू हो गया। क्या बात है यार। ये दोस्तों काफी दिन से इंतजार में था किसी फीमेल का, कि कोई तो फीमेल आ जाए, जैसी कैसी जैसी भी हो आ जाए, लेकिन मैंने पूरी कोशिश की है कि अच्छी वाली फीमेल लेके आऊँ, इसके लेवल की लेके आऊँ, बल्कि इसके इससे तो कई गुना अच्छी है, प्यारी है। इसके सर पे भी स्टाइल बना हुआ है, हेयर स्टाइल। तो दोस्तों मैंने इसके पर निकाल लिए हैं, तो अभी छोड़ते हैं इसको वाइट कबूतर के साथ। ये लो जी गई, अब देखते हैं वाइट कबूतर क्या करता है। ये देखें दोस्तों कैसे इसके पीछे लग गया है। और अब देखें दोस्तों गौर से, हमारी वाइट कबूतरी, इसका पूंछ थोड़ा थोड़ा ब्लैक है और इसके सर के ऊपर भी ब्लैक निशान है हल्का सा, और इसके बाल भी थोड़े से ऊपर की तरफ है। तो ये देखें हमारा कबूतर कैसे मस्ती कर रहा है उसके सामने। तो दोस्तों देखेंगे ये कितने दिनों में जोड़ा बनता है, और फिर बच्चे अंडे, वो फिर प्रोसेस आगे क्या है। तो अभी तो इनका देखते हैं कि कब तक जोड़ा बनता है। तो दोस्तों ऐसा भी होता है कभी कभी कि एक पहले दिन ही जोड़ा बन जाता है, तो मुझे लग रहा है कि ये भी पहले दिन ही जोड़ा बन जाएगा, जो मेरा ख्याल है। तो देखते हैं, मैं क्या चाहता हूँ कि कोई और कबूतर इधर ना आए, सिर्फ ये दो हों, बाकी क्योंकि एक आधा मेल उधर भी है, तो ये ना हो कि उसके साथ इसका जोड़ा बन जाए, मैंने इन दोनों को अकेला छोड़ा हुआ है। ओए ओए ये काम हट गया भाई, इसके काम देखें दोस्तों, दीवार के ऊपर स्पाइडर मैन की तरह बैठ गया। इसको मैं साइड पे करता हूँ, ये ना हो कि ये नीचे गिर जाए। सही है, गुड। तो ये वाला शिराजी कबूतर भी दोस्तों इसकी ताड़ में बैठा हुआ है कि ये कबूतर हटे यहाँ से वाइट वाला और मैं इसकी जगह पे आ जाऊँ, तो ऐसा मैं होने नहीं दूंगा, इसलिए तो मैं इसके साथ ही खड़ा हूँ कि मैं कहता हूँ जल्द से जल्द इनका जोड़ा बन जाए। और यहाँ पे देखें दोस्तों पूरी कोशिश कर रहा है हमारा मेल, लेकिन पता नहीं क्या होता है आगे। तो दोस्तों मैं क्या चाहता हूँ कि इस फीमेल को जरबे में बंद कर दूँ और मेल भी इधर आ जाएगा, तो इन दोनों का यहाँ पे जोड़ा जल्दी लग जाएगा और कोई दूसरा कबूतर भी इनको तंग नहीं करेगा। मैंने दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, तो ये मेल इसके अंदर देखते हैं कब जाता है। यार एक चीज़ है, वैसे अभी तक ये फीड करा रहा है इनको, तो मैं चाहता हूँ कि अभी फीमेल को इसके अंदर ही बंद कर देते हैं। तो देखते हैं दोस्तों कि इनको ये फीड अब कराता है कि नहीं कराता, चेक करते हैं। हैं, फीड भी करा रहा है यार साथ साथ, ये क्या बात हुई। इसका मतलब ये हुआ कि बच्चों को अभी नहीं छोड़ेगा जब तक इनका खुद नेचुरल जो प्रोसेस होता है छोड़ने का। तो मैं क्या करता हूँ कि इनको अलहदा नहीं करता, फीमेल को भी इसके साथ ही बंद कर देते हैं। अगर जोड़ा बनना हुआ बन जाएगा, नहीं तो ये बच्चों को कम अज़ कम फीड तो कराएगा, क्योंकि बच्चों को ज़रूरत है तभी तो उसके पास जा रहे हैं। अगर ये खुद से इतना फीड ले रहे होते तो ये ऐसा बिल्कुल ना करते। तो मैं फीमेल को इसके अंदर छोड़ता हूँ, तो बाकी कबूतरों का भी रिएक्शन देखते हैं। तो देखें घर भी वाइट कबूतर है, कबूतरी भी उसके अंदर चलेगी। ना 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 ना, तो खैर इनको यार अपने हाल पे छोड़ते हैं, और एक दो दिन का प्रोसेस तो इतना जादू तो नहीं हो जाएगा इतना जल्दी। तो मुझे दोस्तों इजाज़त दीजिए, ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर पसंद है तो वीडियो को लाइक लाजमी कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह कल एक नए टॉपिक के साथ, कल एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।